हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एडमिट कार्ड के बारे में, जो कि दो कंपनीज़ का काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड है। एक है ECL, ECL का एडमिट कार्ड बहुत कोई कह रहे हैं कि आ गया, कुछ लोग भी कह रहे हैं नहीं आ रहा है। WCL का एडमिट कार्ड भी कुछ लोग कह रहे हैं आ गया, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रहा। तो इन दोनों को लेकर क्या माजरा है, ठीक है, वो मैं स्पष्ट कर दूंगा अभी इस वीडियो में। मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है बट ऑथेंटिकेट करने के बाद आता है, तो लाइक कर दीजिए पहले इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूरी सुझाव जरूर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल माइनिंग के कैंडिडेट के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जितने भी कोल कंपनीज है उसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो ECL का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। ECL का एडमिट कार्ड आपको ईमेल किया हो गया होगा, जो ईमेल आईडी आप दिए थे ईमेल फॉर्म भरते टाइम, उसी ईमेल में जाके चेक कीजिएगा तो आ गया होगा, ठीक है। स्पैम में भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रमोशन वाला जो था उसमें भी जाके देख सकते हैं, आत्म को आया होगा एक ईमेल, नो रिप्लाई नाम से एक ईमेल आया होगा ECL की तरफ से, आप उसको जाके देख लीजिएगा। वहाँ लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को ईमेल नहीं आया है या ईमेल नहीं खोज पा रहे हैं, कोई बात नहीं, निराश मत होइए। यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ईमेल आईडी कोई अलग था या अभी ईमेल नहीं आया है या कोई स्पैम फोल्डर में चला गया है गलती से, तो वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि यार कैसे मैं करूँ डाउनलोड, मेरे पास तो नहीं है। कोई बात नहीं, आप सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ। सर्च में जाएंगे, सर्च में जाने के बाद आपको सिंपली ECL टाइप करना है। टाइप करने के बाद ECL के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको चले जाना है। देन आपको थोड़ा सा वेट करना है, खुलने में थोड़ा टाइम लेगा। आप स्क्रॉल करके यहाँ पर देखिएगा रिक्वायरमेंट पोर्टल आ रहा होगा। रिक्वायरमेंट पोर्टल में आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर जो तीन लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका लाइनिंग है, इस लाइनिंग में क्लिक करके भी रिक्वायरमेंट पोर्टल को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिक्वायरमेंट पोर्टल को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आई एग्री वाला और यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन है, तो स्टार्ट में क्लिक नहीं करना है, ठीक है। स्टार्ट में आपको जस्ट अ सेकंड इसमें क्लिक नहीं करना है, बल्कि आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी सेव होगा तो कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड आ रहा होगा, अगर नहीं सेव है तो कोई बात नहीं, आप मैनुअली इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद जो कैप्चा है नीचे, कैप्चा को फिल आउट करेंगे, ठीक है। कैप्चा को थोड़ा सावधानी से फिल कीजिएगा, आजकल कैप्चा ले नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, ठीक है। तो कैप्चा को थोड़ा आराम से आपको फिल करना है। जस्ट अ सेकंड, मैं भी फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, भूल गए हैं, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक कर सकते हैं, बशर्ते कि जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है वो आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। देन आपके पास ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, पेमेंट इज़ डन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, ऐसा लिखा हुआ है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे और इसको क्लोज करेंगे सबसे पहले। देन स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्लिक करना है, ठीक है। बहुत कोई ऐसे हैं जिसका फ़ोटो कुछ अलग है, ठीक है, फ़ोटो अलग, गलती से कुछ अलग अपलोड हो गया है ना, सिग्नेचर कुछ गलती से अलग अपलोड हो गया, कुछ हल्का फुल्का मिस्टेक हो गया एप्लीकेशन फॉर्म में, है ना, कुछ हल्का माइनर सा मिस्टेक हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो कोई बात नहीं, उसका भी उपाय है, वो भी मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। मैं खुद एक लड़का का कोशिश किया हूँ वो, तो मैं उपाय भी बताता हूँ आपको। आपको घबराने वाली बात नहीं है, रुक जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको ई एडमिट कार्ड में क्लिक करना है। ई एडमिट कार्ड में क्लिक करने के बाद आप जब स्क्रॉल करेंगे, जस्ट अ सेकंड, मोबाइल में है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है कि माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम है, आयोन डिजिटल जोन IDZ टाटी सिल्वी, अच्छा रांची में पड़ा है ये लड़का का, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आ रहा है, आप इसमें ई एडमिट कार्ड में डाउनलोड में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन देखिए 17 अप्रैल का है, ऑलमोस्ट सबका 17 का ही होगा, 2 बजे से 3 बजे का स्लॉट दिया है, मतलब बुलाया होगा पहले, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख लीजिएगा, ई एडमिट कार्ड को आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा पूरा, ठीक है।
और एडमिट कार्ड को ध्यान से देख लीजिएगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, कोई गलती तो नहीं है। एक बार देख लीजिएगा, फ़ोटो, नाम, सिग्नेचर सब कुछ देख लीजिएगा। अगर गलती है तो उसका उपाय है, मैं बता देता हूँ आपको। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अब इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि आपका कोई मिस्टेक नहीं हो। इसके बाद इसमें कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, मास्क लेके जाना है, ग्लव्स लेके जाना है। तो मास्क तो अभी सी बात है आपको लेके जाना ही पड़ेगा, बिना मास्क का एंट्री नहीं होता है आज भी, आई डोंट नो क्यों ऐसा है। ठीक है, सैनिटाइज़र वगैरह कुछ ज़रूरी ऐसा होता नहीं है, आप ले लीजिए तो ठीक है, बेहतर है, क्यों रिस्क लेंगे। ग्लव्स लिखा है, मास्क लिखा है, सैनिटाइज़र लिखा है, एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल आईडी, हाँ ओरिजिनल आईडी तो मैंडेटरी है, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये सब आपके लिए मैंडेटरी है, तो ये आपको लेके जाना है। क्या क्या मैंडेटरी है? एडमिट कार्ड तो बहुत ज़रूरी है, लिखा तो जो है वो ले जाइएगा तो बहुत बेहतर है। मेरी तरफ से तो यही कहना है कि कब हालात कहाँ पर कैसा हो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, कौन सा जो सेंटर वाला है वो स्ट्रिक्ट है, कौन सा नहीं है, तो वो कहा नहीं जा सकता। बट एडमिट कार्ड आपको लेके जाना ही है, पेन लेके जाइएगा, आईडी, ओरिजिनल आईडी का कोई भी प्रमाण, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी लेके जाना ज़रूरी है, उसके बिना एंट्री नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीज़ें मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो बाईलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में होगा, ये लिखा हुआ है इसमें, मैं दिखा देता हूँ आपको, रेफरेंस दे देता हूँ। पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है, द क्वेश्चंस विल बी बाईलिंगुअल, दैट इज हिंदी एंड इन इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको घबराने वाली बात नहीं है। बोला गया है कि भैया डेढ़ घंटा पहले कम से कम आइए, ठीक है, कम से कम डेढ़ घंटा पहले एग्जाम देने से पहले आप आइए, और जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला ये वाला फॉर्म है इसको प्रिंट करके भर के लाइएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ बेसिक्स इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली आता हूँ कि अगर किसी का कोई गड़बड़ है तो वो लड़का क्या करेगा। तो देखो यार, अगर गड़बड़ है तो पहले तो पेशेंस रखना है आपको, ठीक है, अभी आपके पास 16 दिन है, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हेल्प डेस्क लिखा हुआ, आपको इसमें क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, इसका मैंने कुछ डाला हुआ है, इसका तो इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये रेक्टिफाई हो जाने के बाद इसमें आ जाएगा, टोकन नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, आपको एक टोल फ्री नंबर होगा ECL का, वो भी मैं दिखा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है आपको, जस्ट ए सेकेंड, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये जो नंबर दिख रहा है ये हेल्प डेस्क का नंबर है, ठीक है, ये हेल्प डेस्क का नंबर है। बेसिकली इस नंबर में आपको कॉल करना है और करते रहना, अगर कोई दिक्कत है तो आपको करना ही चाहिए। कॉल करने के बाद आप इनसे बात कीजिएगा और अपना प्रॉब्लम बताइएगा, और कभी भी अगर बात करते हैं तो ये नहीं कहना है कि मेरे से गलती से अपलोड हो गया, मेरे से गलती हो गया, नहीं कहना है कि भैया आपसे गलती हुआ, हम तो सही सही अपलोड किए थे, अभी देखिए देख रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, फ़ोटो आप हम सही सही चढ़ाए थे, आपके तरफ से कुछ और आया है ना, सिग्नेचर हम सही अपलोड किए थे, आपके तरफ से कुछ और आए, मेरा गलती नहीं आपका फॉल्ट, चढ़ जाना छाती पे। तो ऐसे करके बात करना है, आपको ये नहीं कहना है कि मेरे तरफ से मिस्टेक हुआ है इसको रेक्टिफाई कीजिए, कहना है कि आपके तरफ से मिस्टेक हुआ है इसको रेक्टिफाई कीजिए, तब जाके वो सुधरेगा, कुछ होगा नहीं तो कोई होने वाला कुछ उपाय नहीं है। तो जब आप इनको ऐसा बोलिएगा तो आपको बताएगा तरीका, तो आप वो तरीका फॉलो कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, है ना, हो जाना चाहिए आपका। बाकी WCL वाला जहाँ तक बात है कि एडमिट कार्ड वायरल हो रहा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट, का जो नोटिफिकेशन है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक्चुअली आपको स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखेगा कि अमेंडमेंट नोटिस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, है ना, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऐसा करके लिखा हुआ है, तो इसको देख के आप समझ जाएंगे कि अरे नहीं यार ये चीज़ तो नहीं है मेरा, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और जब इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे बंदर छपा हुआ लिखा है, हैप्पी अप्रैल फुल, ठीक है, ये बहुत सारा ग्रुप में आया होगा अगर आप देखे होंगे तो, ठीक है, एडवांस अप्रैल फुल। तो ECL वाला जब एडमिट कार्ड आया था तो उसमें भी यही लग रहा था सबको कि यार ये भी तो अप्रैल फुल वाला बात नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। WCL का एडमिट कार्ड का बात करेंगे तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, WCL का जो टोल फ्री नंबर है इस पर कॉल करने पर रिस्पॉन्ड अभी नहीं मिल पा रहा है। बट जहाँ तक कुछ लड़कों ने पता किया है, जो लड़कों ने फ़ोन करने के बाद मुझे बताया, वो कहा है कि जून के आसपास कहा गया है उधर से WCL की तरफ से कि एग्ज़ाम लेने के चांसेस हैं, जून के आसपास में लेने के चांसेस है। तो आपको एकदम ढीला नहीं पड़ना है, अभी अप्रैल में तैयारी कीजिए आप, 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम है बेस्ट ऑफ लक, और परीक्षा का तैयारी कीजिए, है ना, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि निकल जाए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन बनाइए। मैं तो आपको ये कहूँगा कि नया चीज़ पढ़ने से अच्छा है कि बार 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 पुराना चीज़ को रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, खासकर रेगुलेशन को, माइंस एक्ट, माइंस रूल, रेस्क्यू रूल, ये सब चीज़ों को करिए। और टेक्निकल पोर्सन ही है आपका, और ECL वाला अगर आप कहेंगे तो वीडियो बना दूंगा मैं एक सिलेबस का।
ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप चैट कर में आप कमेंट में बताते रहिएगा, जैसे मैं हर कमेंट को पिक करके आप वीडियो बनाता हूँ, इस पर भी बना दूंगा। अगर आपको सिलेबस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाइए, बताइएगा, मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।